अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम हैदराबाद। आज हमारा एक प्लान है, हम जाने वाले हैं हैदराबाद का वन ऑफ द फेमस जो पैलेस है, चौमल्ला पैलेस। मेरे साथ मेरे दोस्त दया भाई। क्या दया भाई, आज के प्लान क्या से रेडी है? नहीं रेडी हूँ मैं। रेडी है ना? चलो ओके ओके, अभी जाएंगे हमारे पैलेस पे। वो पैलेस के बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, वो अपने जो निज़ाम थे सेवन्थ ऑफ निज़ाम उनका घर भी था, रेसिडेंस था, और एट्थ ऑफ निज़ाम का वहाँ पर फ्यूनरल भी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। वही पैलेस पे जा रहे हैं हम लोग। ओके, कंटिन्यू रहना वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। व्यूज तो बहुत आ रहे मगर लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहे, क्या दया भाई जरा बोलो। मैं भी बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, कीप फॉलो, ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो, ओके, लेट्स गो। ये देखो भाई, हम लोग आ चुके हैं चौमल्ला पैलेस से करीब। ये चौमल्ला पैलेस का फर्स्ट लुक ऐसा है भाई। ये देखो बहुत बड़ी गेट। चलो भाई, अभी आ गए हम लोग, गाड़ी भी पार्क कर चुके हैं। ये देखो फॉरनर्स ऐसा जा रहे, गोरे गोरे अंग्रेजों। ये हमारी मेन एंट्रेंस चौमल्ला पैलेस की। अभी टिकट बाई करने का है, टिकट का प्राइस वगैरह क्या क्या है मैं वीडियो में आपको बोलूँगा कंटिन्यू। तो दया पर देखो टिकट कितने में। देखो चलो भाई, ये हमारी टिकट भी आ गई, पर हेड 100 रुपीस। अभी जाएंगे, चेकिंग का है यहाँ पर मसला। थैंक यू। कैसी, क्या दया भाई, कैसी हिस्टोरिकल प्लेस है हैदराबाद में? एक से एक चीज़ें हैदराबाद में क्या है, मगर अपने लोग चौमल्ला पैलेस की थोड़ी हिस्ट्री बताते चलूं। ये जो है ना आसिफ जाही के टाइम का 18th सेंचुरी का पैलेस था। इसका फाउंडेशन 750 में रखा गया, 1750 में रखा गया, और 1850 में इसका जो है ना वर्क पूरा कंप्लीट हुआ। और ये आसिफ जाही के बाद निज़ाम्स के अंडर में आया, जो कि 7th निज़ाम का हाउस था, और 18th निज़ाम का यहाँ पर फ्यूनरल भी हुआ है। ये देखो यहाँ का फाउंटेन। देखो भाई फर्स्ट लुक कैसा है पैलेस का, जबरदस्त। ये जो बैक साइड रोड पे जो एंट्रेंस बताया था वो मेन गेट थी पहले, अभी क्या है टाइम के हिसाब से गेट का एंट्रेंस भी चेंज कर दिए। ये जो एंट्रेंस है अभी क्लोज है, वो एंट्रेंस अभी एंट्रेंस चेंज कर दिए। चलो भाई एंट्रेंस पे जाएंगे, पैलेस का फर्स्ट व्यू क्या है देखेंगे जरा। दरबार हॉल, मीटिंग हॉल भी कहते हैं इसे, दरबार हॉल। लुक, ये दरबार हॉल है, मीटिंग हॉल। यहाँ पर हमारे निज़ाम जो थे यहाँ पर अपनी जो भी पब्लिक का प्रॉब्लम्स रहता था, यहाँ पर मिडिल ये इनकी सीट थी, यहाँ पर बैठ के पब्लिक का पूरा
जो भी प्रॉब्लम्स थे सुनते थे, मीटिंग करते थे, इसको बोलते दरबार, मीटिंग हॉल। देखो एग्जाम के टाइम के स्टैम्प्स, टाइम के करंसी, पोस्टल स्टैम्प, ये देखो मॉडल, डोंट टच, एलेक्सा, स्ट्रक्चर, ये देखो फर्स्ट निजाम, निजामुल मुल्क जाफ अयोध्या वन, इंडिया का इतना ऑक्यूपाई कराता हो, ये फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। डिटेल पॉज करके भी वीडियो में आप देख सकते हो। सेकंड निज़ाम, के टाइम पे यार एरिया पूरा कम हो गया, औरंगाबाद से कलापा हैदराबाद, ये थर्ड निज़ाम, ये पूरा और भी कम हो गया। थर्ड निज़ाम भी नहीं संभाल सका एरिया, ये थर्ड निज़ाम इस पे औरंगाबाद। पूरे क्या क्या है, पूरे निज़ाम की हिस्ट्री यहाँ पर, क्योंकि वन ऑफ द फेमस पैलेस है निज़ाम्स का, इसलिए निज़ाम्स की है पूरी। ये देखो फोर्थ ऑफ निज़ाम, ये है अपना फिफ्थ ऑफ निज़ाम, टोटल सेवन्थ ऑफ निज़ाम थे, मगर फेमस तो अपना सेवन्थ निज़ाम था, बाकी के निज़ाम उतने फेमस नहीं थे जितना सेवन्थ ऑफ निज़ाम फेमस था। ये है हमारा निज़ाम, सेवन्थ निज़ाम मीर उस्मान अली खान, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी। ये देखो असली निज़ाम तो ये है, बाकी के सब बेकार हैं। क्या बोलते दया भाई, पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर, इन्हें आके पूरा मैसेज करा था। मगर ये जो आखिरी निज़ाम था बरकत अली, मीर बहादुर, इनका रिसेंट, हाँ रिसेंटली जिनका डेथ हुआ ना, यही है, हाँ एट ऑफ निज़ाम। गाइस पेंटिंग में शो कर रहा है कि कैसा दरबार में मीटिंग होती थी, वो वहाँ पर निज़ाम बैठे हुआ था और उसके मीटिंग में पूरी पब्लिक। अभी हम जा रहे हैं पैलेस के ऊपर की साइड, ऑल ऑफ हेरिटेज पार्क, पूरा फर्नीचर है यहाँ पर। అట్లా మొత్తం ప్రపంచం నుంచి వస్తుండే కదా, జపాన్, చైనా, రష్యా, ఓ టైం కే జనరల్స్, ఈ ఆర్మీ టైం కే కాస్ట్యూమ్,
टाइम के ओल्डेस्ट क्रॉकरी। बोल वो टाइम में कैसे डिजाइन थे याद है भाई? अभी लोगों की वैल्यू पूरी करोड़ों में लाखों में होंगी, करोड़ों में है, पूरी हिस्टोरिक है। एक चीज लेके जाके पूरा लाइफ सेटल हो जाता। क्या बोलते ले लेके चल देंगे लाइफ सेटल हो जाता अपना। वो टाइम का रजाकार यूनिफॉर्म, एग्जाम के टाइम की जो आर्मी थी रजाकार उनका यूनिफॉर्म। कल कपड़े क्या है तुमको एक बात मालूम? ओमान में अभी भी ऐसा ट्रेडिशन है मंदिर रखने का। जगह है इधर कर्नाटका में। अच्छा, साउथ साउथ कर्नाटका में कुर्ग बोल के एक टूरिस्ट प्लेस है वो। अच्छा, उधर भी ऐसी पत्थर है। हाँ, अभी वो भी एक फिफ्टी स्टेट है वो। ओके, उस जमाने ये है जब वो रिपोर्ट। पर दीवारों पे तलवारें तलवारें है रहा भाई। पूरा आर्मर आर्मर अच्छा नहीं है पूरा। चलो भाई आर्मी को एडजेक्ट करेंगे, थोड़ा पैलेस का भी व्यू लेंगे। और हो ना तुम्हारे शादी में अलमारी बिल्डिंग टूट जाता ना, कोई इतना बड़ा ऊपर लेके गया तो बिल्डिंग टूट जाता है। हाँ देखो उसके टायर भी लगे हुए। अभी चौमहला पैलेस देख लिए, अभी हम जाने वाले हैं अफजल महल जो कि चौमहला पैलेस का एक पार्ट है। छोटा सा महल बने हुआ है ये भी वो टाइम का। ये भाई इसकी एंट्रेंस यहाँ पर अफजल महल ही नहीं मेहताब महल भी है, तहनायत महल भी है। यहाँ पर तीन चार महल है जो कि चौमहला पैलेस के पार्ट्स है। एंट्रेंस ये जो भी दिख रहे हैं ये है अफजल महल, ये है मेहताब महल और ये है तहनायत महल। यहाँ पर तीन महल है जो भी ये सब महल जो है ना चौमहला पैलेस के ही पार्ट है। क्या दया भाई पूरा पुराना ये है वे टू आफ्ताब। चलो मेरे बैक साइड है ये तहनायत महल है। तहनायत महल तो अभी क्लोज है, अभी दूसरे महल की तरफ जा रहे आफ्ताब महल। आफ्ताब महल वे टू आफ्ताब महल, अभी आफ्ताब महल को जाने वाले। आफ्ताब महल ओपन है, तहनायत महल और मेहताब महल जो है ना क्लोज है। वो अभी आफ्ताब महल के वे पे आ गए। ये भाई आफ्ताब महल का एंट्रेंस। ओ भाई ये देखो पूरे मॉड्यूल्स वो टाइम के रानी के जो भी ड्रेसिंग कोट्स जो भी लोग पहनते थे। ये देखो भाई वो टाइम की बग्घी। यहाँ पर घोड़ा बन के लेके जाते थे बग्घी। ये पूरा जो है ना छोटे छोटे महल है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है आप लोगों को भी दिखाने का, ये नहीं समझा मैं अपने हिसाब की। ये चीज़ें देखो भाई विंटेज कार्स, ये है असल सेक्शंस, ये है ये देखो विंटेज कार्स 1912 में 1912
रोल्स रॉयल सिल्वर गोस्ट। ये निज़ाम सरकार का, निज़ाम का जो है ना कलेक्शन था पूरे कार्स का। ये कौन सी गाड़ी है? 7640 HP। HP 1906। निज़ाम के कार का कलेक्शंस, जो फर्स्ट रोल्स रॉयल्स जो भी निज़ाम हैदराबाद को लाया था वो यहाँ पर लगे हुए है। और वो लाके भी क्या करे निज़ाम बोले तो कचरा चुनने लगे क्या रोल्स रॉयल्स की। हाँ, रोल्स रॉयल्स कंपनी वाला आके रिक्वेस्ट करा था निज़ाम सरकार ऐसा नको करो, आपकी वजह से जो है ना हमारी कंपनी की वैल्यू जा रही बोल के। ये हिस्ट्री है रोल्स रॉयल्स की हैदराबाद से। ये देखो, ये देखो बाइक कलेक्शंस। क्या था भाई, गाड़ियों के बिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यू है क्या? वहाँ के कहो क्या कलेक्शन था निज़ाम का, तो अभी भी उसकी वैल्यू है। बोलते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दैट टाइम, ऑन दैट टाइम। यस, अब तो रोल्स रॉयल्स वाले को भी नहीं मालूम होगा कि उसकी कंपनी की ये कार यहाँ पर है। क्या रहा दया भाई, तरस जा रहा होगा उन्हें खरीदने के वास्ते वो कार। अभी जाएंगे हम हमारे अफजल महल पे, ये मेन एंट्रेंस अफजल महल का। स्कूल के बच्चे पिकनिक को आए। हाँ, किसने बनाया मुजस्सिमा? कुश्ती। पूरा फर्नीचर रखे हुआ है वो टाइम का निज़ाम का। ये अफजल महल तो क्लोज है, स्कूल के बच्चे भी है पिकनिक को यहाँ पर। ये हमारा मेन कंटेंट। भाई हमारा एग्जिट भी आ गया, मगर एग्जिट पे ये देखो तो वो टाइम की मिसाइल टॉप। अरे भाई जाएंगे, ओके क्लोज कर देंगे। क्या लुक है वैसा इसका, ऊपर जाने का रहना था अरे भाई। हाँ, पहले तो ऊपर का व्यू देखने का था, मगर ऊपर का क्लोज है अभी, ओपन नहीं है। ऊपर का मगर व्यू रहता तो मज़ा आता था। क्या बोलते, पूरा चार मीनार पूरा दिखता था। चलो गाइस, वीडियो का अभी यहीं क्लोज करेंगे। कैसा दिखा चौमहला पैलेस ज़रूर बताना। ये देखो पूरा पैलेस का व्यू ही व्यू, कैसा बताना कमेंट में ज़रूर बोलना हैदराबाद कैसा है। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखा था देखो, ये देखो ऊपर कैसा है। यस, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, पहले कौन जरूर मार मार के ठोक दो। बोलो दया भाई कुछ बोलना है? हाँ बोलना है, पूरा सपोर्ट करना अजीम को। ओके, कीप फॉलो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।